सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है। विद्या एक ऐसा धन है जो समाज में आपके सम्मान का विस्तार करता है। लगन के साथ किए गए हर काम का अंजाम सफलता होती है। परिश्रम के उपहार से ही जीवन का जग में सत्कार होता है। आज का पंचांग 26 जून 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, रात्रि 8:55 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 2:10 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 26 जून 2024 दिन बुधवार, एक रास्ता आपको अच्छी नहीं लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें। किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा। काम कम रहेगा। आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। वाहन की मरम्मत या रिप्लेसमेंट आपके वित्त को प्रभावित कर सकती है। पड़ोसियों के साथ नम्रता से बातें करें और आवश्यक काम करना ना भूलें। किसी शो में जाने से या कला का आनंद लेने से आपको आवश्यक ब्रेक मिल सकती है। आज के दिन खुद को स्वतंत्र करने और रुकावटों से बाहर निकलने का है। लोगों के साथ मिलना आज का मंत्र है और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। जोर शरों को दोनों हाथों और सरों को दोनों हाथों से बटोरे। किसी को हरा देना बेहद आसान है किंतु किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल है। आपके हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरफ इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के ही भीतर है। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे टल सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती है। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। आपकी कार्य प्रणाली और योग्यता की तारीफ होगी। घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद व स्नेह आप पर रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी उनकी मदद से पूरा होगा। महिलाओं के लिए दिन अच्छा समय है। जिन बातों को आप आसान समझ रहे हैं उन पर ठीक से ध्यान न देने से समस्या हो सकती है। कोई लापरवाही ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल आपको विरोध करने वाले हर एक व्यक्ति से सतर्क रहना होगा। भागीदारी में काम करने वाले लोगों को बड़े विवाद का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप पर दूसरों पर प्रभाव ना पड़े इस बात का ध्यान रखना होगा। सेहत ठीक भी रह सकती है। अपने कार्य पर ध्यान दें। अज्ञात चिंताएं बनी रहेगी। धन की आवक मामूली बनी रहेगी और व्यय अधिक हो सकते हैं। मेहनत अधिक और साख कम हो सकती है। नौकरी में दूसरों के विचारों को भी महत्व जरूर दें। सुबह का समय सुखद रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। कार्यों के लिए उत्साह बना रहेगा। धन की आवक में सुधार होगा। ऋण उतारने की क्षमता विकसित होगी। भविष्य के लिए अशांति रहेंगी। भविष्य के लिए आशान्वित रहेंगी। नए सौदे की प्राप्ति संभव है। नौकरी में तरक्की और कार्यों में सुधार होगी। सावधानियां। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के बड़े लोगों के मार्गदर्शन लें। आपकी जिद व व्यवहार से मामा पक्ष के साथ संबंध बिगड़ सकती हैं। नकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखना आपके लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। अच्छा, आपके संबंध में गलत फहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नीक थी लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा आप इसे नहीं समझ पाए।
इसका परिणाम यह होगा कि आपके कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी। भाई बहन के साथ समय बिताकर और भोजन करके आप नई ऊर्जा महसूस करेंगी। अपने साथी के साथ आपकी केमिस्ट्री शानदार है, क्योंकि बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाना भी प्यार की ही निशानी है। आज समय है शर्म छोड़कर दुनिया को अपने बारे में बताने का। किसी से प्यार है और आपको लगता है कि यही आपका जीवन साथी है, तो बस आगे बढ़ें और इजहार कर दें। आज आपके सितारे उच्च हैं, इसीलिए आज जो चाहेंगे वो आपको पक्का मिलेगा। आपने एक ऐसे साथी को पाया है जो पूरी उम्र आपका साथ देगा। बात करते हैं करियर की। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसीलिए अपनी कौशल और क्षमताओं में भी बदलाव लाते रहें। अगर आप अपने काम या पेशेवर जीवन से संतुष्ट नहीं है तो उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। पड़ोसियों की समस्याएं या भाई बहन की परेशानियां आज आपके लिए चिंता का विषय रहेगी। आज अपने आप को आजाद करें और अपने आप को मार्ग में आने वाले अवरोधों से दूर रखें। लोगों के साथ मिलने जुलने की जरूरत महसूस हो सकती है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति से व्यवहार का तरीका भी अलग होता है। दूसरों के अनुभवों को सुने, क्योंकि यह आपको जीवन जीने का नया तरीका प्रदान करेंगे। आपकी करियर से संबंधित योजना बिगड़ रही है। आप एक बात पर अपना दिमाग एकाग्रचित नहीं कर पा रही हैं। आप सोच कर समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी भी अनुभवी पेशेवर या एक करियर सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। एक करियर सलाहकार के मार्गदर्शन से आपको एक मार्ग मिल सकता है। आज आप अपने करियर के बारे में एक दिशा में सोच सकते हैं। बिजनेस संबंधित विभागीय जांच चल रही है, तो उसका नतीजा आपके हक में रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। सरकारी नौकरी करने वालों को पदोन्नति के मौके मिलेंगे। स्थान परिवर्तन भी संभव है। आज के दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला भी है। आप अपने किसी भी कार्य में ढील न दें, इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों की मेहनत रंग लाएगी। आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकती हैं। बौद्धिक क्षमता उत्तम रहेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। साथियों से सहयोग मिलेगा। अड़चने समाप्त होगी। धन की आवक अच्छी रहेगी। खर्चे भी अधिक रहेंगे। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। कारोबार के लिए लाभदायक समझौते होंगे। बात करते हैं सेहत की। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है। क्या आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए? अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप गाय को हरी घास खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।